कटिहार पुलिस और बालूमा थाना अर्ली मॉर्निंग में टीपीसी का एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी का एक नक्सली प्रदीप गंजू और प्रभात जी उसकी गिरफ्तारी की गई है छापेमारी करके। हमारे छापेमारी दल में के नेतृत्व में डीएसपी साहब अजीत कुमार, डीएसपी बालूमा, साथ में सीआई बबलू बालूमा और एसआईटी के हमारे इंस्पेक्टर लव और भानु, ये इन लोगों के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया था और बालूमा थाना क्षेत्र में राजगुरु जो विलेज है उससे करीब 1 किलोमीटर नॉर्थ में जंगल में आक्रमण जो रविंद्र गंजूर आक्रमण है उनके दस्ता के होने की सूचना थी। जब हमारी टीम ने वहां पर रेड किया तो बाकी लोग तो भाग गए, प्रदीप गंजू की गिरफ्तारी हुई है और साथ में 2 हथियार भी बरामद हुए हैं, उसमें एक .315 का है और दूसरा जो ट्रेडिशनल उसको दोनाली बंदूक कहते हैं ये हम लोग बरामद किए हैं। आगे भी हम लोग इस तरह का प्रयास जारी रखेंगे जिससे अन्य जो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने मामले में वांछित है सर ये पुरुष, अब किस लेवल का सर उग्रवादी है ये? कोई इनामी नहीं है, हालांकि ये इस रविंद्र गंजू के टीम का एक सक्रिय सदस्य है, साथ में भैरव वगैरह के भी साथ में रहा है और उन लोगों का काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मेंबर है। जो मोबाइल वगैरह भी इससे मिला है इससे हम लोग को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं और अभी तक ये हमारे लातेहार जिला में 6 मामलों में वांछित है। कोई बड़े वारदात में भी शामिल रहे सर, कोई बड़े वारदात? हाँ, एक आप लोगों के संज्ञान में होगा जिसमें 2 माँ और बेटी का मर्डर हुआ है।